बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट जवाद, और आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम अपने कमटेक्शिया स्टूडियो 9 से कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीन को, पूरी स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिस तरह ये स्क्रीन मैंने रिकॉर्ड की हुई है, आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देख सके। ये देखें, ये सब्सक्राइब का बटन लगा है, यहाँ से आप सब्सक्राइब करें। साथ में एक नोटिफिकेशन का बेल आइकन अपीयर होगा, उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना कैमटेक्शिया स्टूडियो 9 ओपन कर लेना है। मैं अपना कैमटेक्शिया स्टूडियो 9 ओपन कर लेता हूँ। तो कैमटेक्शिया स्टूडियो 9 हमारा इधर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आपने बहुत सारा आपके पास ऑप्शन आएगा, गेट स्टार्टेड, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू रिकॉर्डिंग, ओपन प्रोजेक्ट, नीचे ये सब कुछ आपको बताएगा। यहाँ से आपने न्यू रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके पास एक आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पे फुल स्क्रीन लिखा है, कस्टम कैमरा ऑफ, ऑडियो ऑन वगैरह सब कुछ। यहाँ से ऊपर आप कैप्चर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन F9 है, स्टॉप का बटन F10 है। उसके बाद देखें, सिलेक्ट एरिया टू रिकॉर्ड, इसको आपने नहीं छेड़ना। रिकॉर्ड ऑडियो, इस पर आपने टिक मार्क को टिक कर देना है। तो ये सारा कुछ ये आपके सामने भी है। यहाँ से आपने सबसे पहले फुल स्क्रीन पे क्लिक करना है, कस्टम वगैरह आप आदि वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से कस्टम एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट्स में आ जाए तो एनोटेशन वगैरह ये आखिर में एडिटिंग में डालनी होती है। उसके बाद कमटेक्शिया स्क्रीन कैस्ट डॉट कॉम ऑप्शन वगैरह सब कुछ इधर आ रहा है। और उसके बाद ये देखिए, कमटेक्शिया रिकॉर्डर हेल्प है, इसकी अबाउट कमटेक्शिया में अगर आप चले जाएँ तो ये लाइसेंस दिखा देगा आपको। उसके बाद आप यहाँ पे टूल्स में आके ऑप्शन में आ जाएँ, तो ये आपको यहाँ पे इनपुट्स में आ जाएँ, ये आपको चेक करा देगा आपको माइक्रोफोन। ये देखें, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, तो मेरा माइक्रोफोन हॉट कीज में आ जाए। तो ये रिकॉर्ड पॉज पे करेंगे तो F9 है, स्टॉप पे करेंगे F10 है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, कंट्रोल M से मार्कर चलता है सब कुछ। यहाँ से आपने सिंपली क्लोज कर देना है, और ये रैक का जो बटन है रिकॉर्डिंग का, इसको आपने सिंपली प्रेस करना है। तो लिखा है प्रेस F10 टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, 3 2 1 एंड यस स्टार्ट। तो ये हमारी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। देखें, इसको आप दोबारा नीचे से उठाएं, तो ये देखें हमारे 4 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। उसके बाद अगर आपने वीडियो स्टॉप करनी है तो आप F10 को प्रेस करें, अगर आपने वीडियो को पॉज या रिवाइंड करना है तो आप F9 को प्रेस करें। तो यहाँ से मैं स्टॉप यहाँ से ही कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास वीडियो फाइल क्रिएट हो जाएगी एक, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो ही वीडियो फाइल क्रिएट होगी तो कमटेक्शिया स्टूडियो ओपन हो जाएगा। F10 को जो ही आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कमटेक्शिया स्टूडियो 9 ओपन हो जाएगा। तो ये आपकी वीडियो इधर टाइम लाइन में भी ले आएगा, अगर आप उसी वक्त एडिट करना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अपनी वीडियो को ड्रैग करके पीछे इंट्रो लगा सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आउट्रो लगा के शेयर करके अपनी वीडियो को रेंडर कर लें। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ से सिंपली क्रॉस करेंगे तो आपको सेव करने की कहीं नहीं जरूरत, ये खुद सेव कर लेते हैं। अगर आप न्यू रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं तो ये तब सेव करेगा। जो मैंने आपको तरीका बताया वही आपने करना है। तो यहाँ से अगर आपने अपनी फाइल ढूंढनी है तो डॉक्यूमेंट्स में आ जाएँ, हमारे डॉक्यूमेंट्स में आके कमटेक्शिया स्टूडियो में आ जाएँ। तो ये देखें हमारे पास ये हमारी रिकॉर्डिंग आ चुकी है, आप देख सकते हैं ये हमारी रिकॉर्डिंग पड़ी है। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, तो ये कमटेक्शिया स्टूडियो में ओपन हो जाएगी। तो कमटेक्शिया से आप डायरेक्ट वीडियो फाइल नहीं हासिल कर सकते, पहले कमटेक्शिया फाइल हासिल करेंगे, और उसके बाद अगर आपने अपनी वीडियो को MP4 फाइल वगैरह में बनाना है तो आप इस शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से लोकल फाइल है इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हैं तो कर दें जिस मर्जी पे, लेकिन आपने अगर MP4 फाइल में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके कन्वर्ट करना है तो ये डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट होगी। आप सबसे पहले आपके पास यूं ये ओपन होगा, या आप वहाँ डाउनलोड से जाके इसको डॉक्यूमेंट से ओपन कर लें। अगर बाद में आप इसको MP4 फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शेयर पर क्लिक करेंगे, लोकल फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये खुल जाएगा। यहाँ से आपने 480p में करना है, MP4 में, 720 में, जो भी आप इन दोनों में सेलेक्ट करना है। मैं आपको ये 1080p का भी इसमें ऑप्शन है, यहाँ से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप MP4 अप टू 720p या MP4 अप टू 480p करें, क्योंकि इनके साइज़ कम होते हैं, 1080p का ज़्यादा होता है। इसलिए 720p में आपको रिकमेंड करूँगा। इसको सेलेक्ट करके आपने नेक्स्ट पे करना है। सिंपली यहाँ पे आपने अपना नेम दे देना है, समझो ABC, मैं दे देता हूँ ABC रिकॉर्डिंग। उसके बाद आपने ये सेकंड नंबर पे फोल्डर अपना सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ ये सेव हो। मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से आपने फिनिश पे क्लिक करना है, तो ये आपकी वीडियो रेंडर होगी। ये देखें फ़ौरन रेंडर हो रही है। ये देखें ABC रिकॉर्डिंग का फोल्डर साथ में हमारे डेस्कटॉप पे आ चुका है। यहाँ से आपने कैंसिल कर देना है, कमटेक्शिया को क्रॉस कर देना है,
ये हमारी एबीसी रिकॉर्डिंग की फाइल आ चुकी है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं जो हमने फाइल रिकॉर्ड की थी, ये हमारे पास प्ले हो रही है। काफी अच्छी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास रिकॉर्ड हो चुकी है। इसी तरह आप कमटेक्स स्टूडियो 9 से अपनी फाइल रिकॉर्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें, ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलता हूँ। गुड बाय।